हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों ने प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बना दी है। संयुक्त किसान मंच ने शिमला में सेब बागवानों के मुद्दों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इसमें यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने, एप्पल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने, सेब की पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी कम करने, एपीएमसी व लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लागू करने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले 27 विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने बताया, बैठक में सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। साथ ही उन्होंने बैठक की विस्तृत जानकारी दी। देखिए, आज की जो बैठक है संयुक्त किसान मंच की, ये बैठक जो है आज इसलिए यहाँ पे हुई है कि हमारे जो 27 संगठन हैं वो संगठन जो है आज आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम सारे चर्चा ही कर रहे हैं कि हमें आगे की रणनीति क्या बनानी है। हमारा 20 सूत्रीय जो ये मांग पत्र है ये हमने इस सरकार को दिया हुआ है, और सरकार को 20 सूत्रीय मांग पत्र जो है अभी हमने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बैठक का, वो अभी बैठक नहीं हुई है। और उस बैठक को जो है वो अब कब बुलाते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, और आज काफी मंथन होना है अभी हमारे आपस में कि हम लोगों ने क्या क्या करना है। हमारा 20 सूत्रीय मांग पत्र है एपीएमसी एक्ट लागू करे सरकार, और हमारी जो अन्य जैसे दवाइयां हैं उन दवाइयों को जो है जल्द से जल्द फार्मर तक पहुंचाया जाए, ताकि दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां अगर मार्केट में आएगी तो उन दवाइयों से जो है हमारा बड़ा फायदा होने वाला है पीपी सेंटर्स में। और इसके अलावा जो है और हमारी 20 मांगे हैं जिसको हम बार बार आग्रह कर रहे हैं सरकार से, पूर्व सरकार से भी करते आए हैं और इस सरकार से भी करते रहेंगे।